जनि को पहचान देने के लिए वो लोग नंबर भी देंगे, हमको एक मार्क दिया, लेकिन वो एक मार्क स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी भी होनी चाहिए। जरी बनकर जाएगी और सब लोग एक मार्क लगाएंगे, वो चलेगा नहीं। तो इसलिए हमने मंत्रा के साथ अब टाइप करते हैं, यहाँ पर मैन मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है, उनको हमने दो सैंपल दिए, उसका रिजल्ट ठीक आया। तीसरा सैंपल अभी हमने जो साउथ के अंदर ज़्यादा पॉपुलर है वो जरी पॉलिस्टर जरी के ऊपर इमिटेशन जरी बनती है, जो पॉलिस्टर यान के ऊपर। प्लीज प्लीज किशोर भाई, तो वो हमने सैंपल दिए अभी। तो हम ग्राहक को, मैन्युफैक्चर को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि भाई ये एगमार्क की जैसे अपना सिल्क मार्क है, वैसे जरी मार्क आएगा कि ये जरी यूज करने से आपको इतनी चांदी मिलेगी उसके अंदर। इसको प्योर जरी बोलेंगे तो इसका परसेंटेज इतना रहेगा गोल्ड का और सिल्वर का। इमिटेशन जरी में कम से कम 12 ग्राम चांदी उसके अंदर होनी ही चाहिए, ऐसा हमने स्टैंडर्ड बनाया है, कमिटी एक बनाई है। एक दो महीना लगेगा, बस नॉर्म तक के करते हैं। आपका सहयोग ये इसीलिए देंगे कि जैसे आपने सिल्क मार्क बनाया और आप जैसे मैंने पूछा आपको कि ऑथोराइज यूजर्स को या मैन्युफैक्चर को आप आपका सिल्क मार्क देने की इजाजत दी, तो उसका उसके ऊपर आपने नॉर्म्स क्या रखे हैं, उसके ऊपर चेकिंग कैसे करते हो आप, उसको क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो, आप क्रॉस चेकिंग करने के लिए क्या करते हो, अगर उसने कुछ भंग किया तो उसको आप पेनल्टी कैसे लगाते हो, आप मेंबरशिप उसको कैसे देते हो। वो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पेपर वर्क तैयार किया है। हम आपसे भी ये जानकारी मांगेंगे, हमारी कोई लोकफोन होगी तो अंदर पूरी कर देंगे। और हम उसी स्टैंडर्ड पर जब जाएंगे तब हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। आज हालत ये है कि ये कॉमोडिटी में जाने के कारण सिल्क, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर सब स्पेकुलेशन में चला गया। 2004 के बाद वो भाव और आज का भाव देखोगे तो इतना ऊंचा है हो गया है कि आम आदमी जरी की साड़ी पहनने के लिए तकलीफ है उसको, उसको चाहिए जरी की साड़ी लेकिन वो नहीं परचेस कर सकेगा। और ये खाने की चीज तो है नहीं, वो आखिर में आता है उसके पास पॉकेट में जो बचा हुआ पैसा है वो साड़ी परचेस करने के लिए। अब फिर हम उसको धोखा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं परचेस करेगा, बोला कि जरी की साड़ी नहीं चाहिए, सिल्क की साड़ी नहीं चाहिए, ये चलेगा जो भी है ऐसे चलाएंगे। तो कस्टमर इज अ गॉड हमारे लिए, तो वो उसको चीटिंग होगा, वो नहीं चलेगा। अभी तक जो भी चला ठीक है चला, अब आगे किसी भी हालत में इंडस्ट्री को चलाने का हो तो नहीं चल सकेगा। तो इसीलिए फैशन डिजाइनर को अवेयरनेस के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उनको गारंटी के लिए और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन के लिए ये करना जरूरी है। हम एक दो महीने के अंदर उनका पूरा रिजल्ट लाकर आपके सामने रखेंगे। जहाँ जहाँ आपका सहयोग की जरूरत होगी हम आपको सहयोग मांगेंगे, क्योंकि रियल जरी भी आज 5% बन रही है, 5% 10% बन रही है। पहले 100% बनती थी 50 साल 60 साल पहले, आज उल्टा हो गया। कारण बहुत से कारण है, तो लेकिन जो भी बनती है वो बचाने का है, वो इंडस्ट्री है, वो भी 5% 10% में भी रोजगार ही देती है। कांजीवरम पूरा उसके ऊपर खड़ा है। तो और जो पहनने वाले हैं उनको लगता है भाई मुझे रियल जरी, क्योंकि पैसा जिसके पास पैसा है बहुत पैसा है, उनको रियल जरी की ही साड़ी चाहिए। आज भी एम्ब्रॉयडरी के अंदर इमिटेशन जरी का एम्ब्रॉयडरी 50-50 हज़ार रुपये का एम्ब्रॉयडरी की हुआ वो लहंगा चुन्ना पहनती है, ऐसा नहीं है। तो जिसको जो चाहिए वो हमारे देने का फर्ज है इंडस्ट्री का, तो हम वो देने की कोशिश करेंगे, साथ में आपका सहयोग भी लेंगे और आप हम गाइड भी लेना। आपका जो भी नॉर्म्स है वो आप हमें हमारे एसोसिएशन के ऊपर आप भेज देना, मैं रिक्वेस्ट लेटर भी आपको कल लिखकर भेजता हूँ। नहीं, आपने ये जो एफर्ट जो किया है वो ये जरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की तरफ से किया आएगा, ये जो स्टैंडर्ड आप ये जो अंडर स्टडी में है जी हाँ, ये कब तक आएंगे आप बता रहे हैं? नहीं, दो ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, अभी वैसे टेस्टिंग रिपोर्ट तो दे दिया, सेटिस्फेक्शन आ गया। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि लेबोरेटरी में 1 किलोग्राम तांबा कॉपर वायर यूज करेगा, हाँ, उसके ऊपर 12 ग्राम चांदी सिल्वर चढ़ाएगा तो
सैंपल में भी कितना आएगा, तो वेरिएशन नहीं आना चाहिए। एक बार हमने एक मार्क दे दिया तो वो उसका वो कंट्रोल रहना चाहिए और क्वालिटी इन्फीरियर नहीं होनी चाहिए। ये एक सेल्फ इम्पोज्ड स्टडी है कि आप जो कर रहे हैं, ये आपका इन हाउस या आपका जरी मैनेजमेंट एसोसिएशन का तरफ से आप लोग सेल्फ स्टैंडर्ड बना रहे क्या? दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, दैट्स व्हाट, उसी के लिए, उसी के लिए। तो रमन साहब का बाद में से इतना मालूम है, ही इज स्ट्रांगली प्लीडिंग फॉर सम क्वालिटी स्टैंडर्ड, सम सॉर्ट ऑफ एथिक्स, सम सॉर्ट ऑफ आई मीन कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग ही इज टॉक्ड अबाउट। तो ये हमारे ख्याल में फुल ये हाउस सहमति होंगे दैट देर इज अ नीड फॉर ए स्टैंडर्ड और ये सम क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर ज़री फॉर रेटिंग ऑफ द रेटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द ज़री। कोशी साहब एम कहे छे के जरी इंडस्ट्री जे अत्यारे आपणी वीक थती जाय छे एने स्ट्रॉंग करवा माटे जे एमणे सजेशन आप्युं छे रमण भाई, जेम तमारे सिल्क प्योर सिल्क जोईतुं होय तेनो आपणे मार्क जोवो पड़े, सिल्क मार्क जे एमणे मेनन साहेब हमणा समजाव्यो, एवी सेम वस्तु आपणे जरीमां रमणભાઈએ કીધું કે આપણા એસોસિએશન ભેગા થઈને એક જરીનું સ્ટાન્ડર્ડ નક્કી કરીએ, નહીં તો શું થશે દિવસે દિવસે જ્યારે પણ તમે જરીનો માલ કશે પણ ઇન્ડિયામાં ગમે ત્યાં વેચશો અને પેલું કસ્ટમર એકવાર જોયા પછી એમ કહેશે કે આ તો આપણે ઠગાઈ ગયા આની અંદર, આને ચાંદીની જગ્યાએ તાંબુ આપ્યું છે તો આપણો માલ પછી વેચાવાનો નથી, એટલે આપણી જો જરી ઇન્ડસ્ટ્રીને બચાવવી હોય તો આપણે આ જે માર્ક સિસ્ટમમાં જવાનું વિચારીએ છે એમાં દરેક સભ્યો જે જરી સાથે રમણભાઈ સાથે જોડાયા છે, જે સંસ્થા આપણી શું નામથી ચાલે છે, હા જે મેન્યુફેક્ચરિંગ એસોસિએશન જે ચાલે છે, તમે આપણી પાસે મંત્રા છે અહીંયા, મંત્રા આપણે બધા ટેસ્ટિંગ કરીને આપશે, મંત્રા સાથે જોઈન્ટ વેન્ચરમાં આપણે જેતા રહીએ તો કદાચ પછીના વર્ષ બે વર્ષ કે પાંચ વર્ષ પછી આપણે એક પોઝિશન પર આવીએ કે જેમ સિલ્ક માર્ટ વાળા એમ કહે છે કે ભાઈ આ પ્યોર સિલ્ક છે, એવી રીતે આપણે એમ કહી શકીશું કે આ પ્યોર જરી છે, તો તમારા માલ વેચાવામાં ઇઝી રહેશે। એટલે એ પ્રોસિજર માટે સાહેબને એમ પૂછ્યું હતું કે તમે બધા લોકો આ બાબતે સહમત છો, બરાબર? ઓકે, I would like to add, एक दो तीन चीज मैं आप लोग आपको बताना चाहता है कि हमें आपके जो मंत्रा के साथ इंटरेक्शन हमें पता नहीं था, हम कम से कम एक साल पहले इसके बारे में थोड़ा वर्क किए हैं हम लोग, हमारा जो सेंट्रल सेरिकल्चर सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा भी एक इंटर सी एस टी आर आई जो बेंगलोर में है, यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत काम किए हैं कि हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कौन सी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं जरी को, कि वहाँ के जो हमारे कर्नाटका सिल्क इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है और वहाँ की जो डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम जो कॉपटेक्स है वो हैंडलूम्स है, उनसे उनके साथ काफ़ी चर्चा हुआ, डिस्कशन हुआ और उसके बाद लगभग एक आइडिया हुआ है कि वी कैन कैटेगराइज इन टू सुपर फाइन, फाइन और सेमी फाइन जरी विद ए रेंज, इससे इतना हो सकता है, ऐसा बोल के हमने सोचा था इसके बारे में। तो इसके बारे में एक 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 बात हुई थी। दूसरी बात यह है कि हम ये भी सोचा कि एक अगर जरी प्योर है या नहीं इसे कैसा टेस्ट करें, तो हमारी जो सिल्क कंडीशनिंग एंड टेस्टिंग हाउस जो कांचीपुरम में है वहाँ पर भी एक इम्पोर्टेड मशीन है, आप शायद उसके बारे में पता भी होगा, तो उस मशीन में इट गिव्स अ कंपोजिशन ब्रेकअप क्या हो सकता है, हम जो सुपर फाइन जो बोले या फाइन बोले, यू वंस इफ यू आर एबल टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर मशीन देयर इज अ फीलिंग दैट यू नो दैट इट कैन गिव व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गोल्ड और योर कॉपर और सिल्वर एंड थिंग्स लाइक दैट, इसका एक्सेप्टेंस भी कांचीपुरम में अच्छा है। थोड़े आप जो कांचीपुरम के रिटेल ट्रेडर्स हैं आजकल हमारे पास आते हैं, पूछते हैं प्योर है या नहीं है, हम प्योर नॉन प्योर नहीं बोलते हैं लेकिन इसका कंपोजिशन इतना है बता देते हैं। तो ये सब डिस्कशन के बाद हम यही सोच रहे थे कि लाइक हम जो सिल्क मार्क जो प्रमोट किए हैं इन ए वेरी वेरी सिलेक्टेड वे, वी डोंट वॉन्ट टू गो इवन लाइक दैट, आप जो बता रहे हैं जो ऑथराइज यूजर्स कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, इसकी चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है पूछे, जरी में इसकी और स्ट्रिंजेंट होना चाहिए क्योंकि इसका जो हाई वैल्यू आइटम है और वी कैन नॉट गिव इट टू ईच एंड एवरीबडी, वी हैव टू अ वेरी सेलेक्टेड फ्यू पीपल हु आर प्रिपेयर टू अग्री टू ऑल आवर टर्म्स एंड कंडीशन विद ए स्ट्रिंजेंट चेक। उसके लिए हमने सोचा वी कैन ऑल्सो इन कोर्स ऑफ टाइम स्टार्ट ए जरी मार्क एंड आपकी जो सूरत की इंडस्ट्री के इंटरेक्शन के बाद
अभी नौ आपने अच्छी एक बात निकाली जो आपके मंत्रा के साथ अभी इंटरेक्शन हो रहा है, तो आई थिंक देयर इज अ नीड हम दोनों के साथ मिलने, सिल्क मार्क और आपके जो सूरत इंडस्ट्री जरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ एक इसके लिए एक फाइनलाइज करना चाहिए टेक्निकल पैरामीटर्स, इसके टेस्टिंग पैरामीटर्स फाइनलाइज करना चाहिए और इसके क्या क्या हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस लगा सकते हैं। अगर हम साथ मिले और एग्री किए हैं देन इन कोर्स ऑफ टाइम वी कैन आल्सो इंट्रोड्यूस विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए प्रमोशन के लिए भी पैसा चाहिए, अवेयरनेस के लिए पैसा चाहिए, एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा चाहिए, इसके साथ हम ये सिल्क मार्क जरी मार्क भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ठीक है। मेनन साहेब ने एवं कहूँ के जे सिल्क मार्क लोग यूज करे ने एम सीस्टम एवं है कि एना नॉर्म्स बनाया है कि आ सिल्क प्योर है कि नहीं, एनु टेस्टिंग करवा माटेनी लेबोरेटरीज होय अने टेस्ट कर्या पछी जो कोई फॉल्ट में आए तो जेनु लाइसेंस एमने आपेलू होय एनु रद्द करी दे, ए लोको जो भूल करे तो एने दंड थाय, एने ग्राहक सुरक्षा हेठळ एने पैसा चूकवा पड़े जे ते पार्टी ने आवुं थई शके। एटले जेने तमे आपणुं धारो के जरी माटेनो एक प्रपोजल नक्की थई अने एक मार्क नक्की थयो अने जरी मार्कना नॉर्म्स बनावीशुं आपणे के आ कोने कोने आपी शकाय, अपने त्या धारो के 100 जरी मेन्युफेक्चरर हो तो 100 माथी 55 मणसों प्योर जरी नुं काम करता हो, बीजा सींथेटिक जरी नुं काम करता हो, बधाने सेग्रीग्रेट करीने एमने ये मार्क आपवामां आवे। ए मार्क आप्या पछी जे अगत्यनी वात करी जे मेनन साहेबे ते बहु समझवा जेवी छे के सेंट्रल गवर्मेंट नी जे आपणी सिल्क बोर्ड छे ए बोर्ड आपणने आ जरी मार्क बन्या पछीनुं मार्केटिंग माटे पैसानी मदद पण करशे, एडवर्टाइजमेंट पण करशे, એટલે એ એક્સપેન્સ તમારા માથા ઉપર થોડો ઓછો આવશે પણ એની સામે તમારો બિઝનેસ વધશે, પણ એની સામે તમારે એશ્યોરિટી એ આપવાની છે કે યુ આર ગિવિંગ ધી બેસ્ટ, એટલે તમે આપો છો તે સાચી જ વસ્તુ આપશો, જરી કીધું છે તો જરી જ આપવાની, જરી કીધું છે તો ઇમિટેશન આપવાનું નહીં, નહીં તો એ નુકસાન વધારે આવશે, કારણ કે જે બોર્ડ તમારા માટે પૈસા ખર્ચે છે એ ખોટી જગ્યાએ જાય તો તમારે નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવે। એટલે આપણે પ્લાનિંગ જે કરવું છે જે આપણે ત્યાં આ હું તો માનું છું કે સુરતનો ઓરિજિનલ બિઝનેસ જરી ઉદ્યોગ હતો અને જરીના જે સેલાઓ વર્ષો પહેલાં બનતા હતા તેની વેલ્યુ આજે ધીરે 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 ભૂસાઈ ગયું છે, એને ફરી પાછું ધીરે ધીરે આપણે લાવવું હોય એને આપણે જેમ કહે છે ને સિલ્કમાં ફેબ્રિક એની કમ્પેરિઝન પોલિએસ્ટર સાથે નહીં થાય કારણ કે એની કોસ્ટ જ ઊંચી છે, તો જે જરીમાંથી બનેલી સાડીની કિંમત એટલી બધી ઊંચી આવી જોઈએ કે જરી ઓછું પ્રોડક્શન હોવા છતાં તમને પૂરતો નફો મળે। આ પ્લાનિંગ જો કરવું હોય તો તમારે આ માર્ક સિસ્ટમમાં જવું જોઈએ એવું મારું પણ માનવું છે, એમાં તમે રમણભાઈને સહકાર આપો અને રમણભાઈને રિક્વેસ્ટ એવી છે કે મંત્રા અને સિલ્ક બોર્ડ એ બે સાથે ભેગા થઈને જ તમે કામ કરજો, એકલા એસોસિએશન આમાં કામ કરશો નહીં, કારણ કે એમાં શું થશે કે તમારા બધા મિત્રોના મતભેદની સપાટી એવી હશે કે યુ આર નોટ એબલ ટુ ગો ફોર એની કન્ક્લુઝન, ને આપણને કન્ક્લુઝન જોઈએ છે, કન્ક્લુઝન આવશે તો જ જરી ઇન્ડસ્ટ્રી સર્વાઈવ થશે, કારણ કે હું માનું છું રમણભાઈ ચેમ્બરમાં છેલ્લા 5-7 વર્ષથી ક્યારે પણ મેનેજિંગ કમિટીમાં ચાન્સ મળે ત્યારે એક જ વાત કરતા હોય કે અમારી ઇન્ડસ્ટ્રી મરી પરવાડી છે અને તમે લોકો કંઈ કરતા નથી, આ રમણભાઈનું સેન્ટન્સ હોય છે। એટલે રમણભાઈ તમારે જરી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે બહુ મહેનત કરે છે, બધા બીજા ચિંતન છે, બીજા જરીમાંથી જે પણ યંગસ્ટરો છે તમે પણ જોડાઓ આગળ આવો અને આ ઇન્ડસ્ટ્રીને સર્વાઈવ કરવા માટે જે કંઈ બી મદદ ચેમ્બર છે આપણી પાસે, મેનન સાહેબ છે, બધા મિત્રો છે અહીંયા જેની સાથે આપણા સારા સંબંધો છે એનો ઉપયોગ કરીને આ ઇન્ડસ્ટ્રીને કેવી રીતે આપણે વધારે ફૂલી ફાલી શકીએ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। ઓકે, તમારા કંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે કહી શકો છો અત્યારે, કારણ કે આ ઓપન ચર્ચા છે એનું કન્ક્લુઝન એવું આવે કે આપણે રમણભાઈ કોઈ ડિસિઝન લેતા હોય તેમાં તમારા બધાનો સાથ સહકાર જેવું માની લેવામાં આવે, બરાબર છે? જો સિલ્કમાળનો તમે પાનું ખોલો, પેલું પતંગિયું બનાવેલું છે ને, હા બરાબર છે, પતંગિયું એટલે આપણે હવે આપણી રીતે જરીનું કંઈક જે બનાવવાનું છે, જે જરીનું બનાવવાનું છે એટલે એ તો એક સરખા જ આવે, આપણો સી છે ને તે આપણે અહીંયા બી વાપરીએ છીએ, મોમેન્ટોમાં બી વાપરીએ છીએ, અને એ સી તમારી 500ની નોટમાં બી છે, 10 રૂપિયાની નોટમાં બી એ સી જ આવે અશોક ચક્ર, એટલે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે એ સિક્કો લાગે છો કે નહીં, ગાંધી બાપુ કેટલી બધા ફોટો એની પર આવે છે, કેટલા બધા કરન્સી ઉપર આવે, 500 રૂપિયા પર બી આવે, 100 પર બી આવે, 10 પર બી આવે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ગાંધી બાપુજીનો ફોટો પેલા પર છે ને એટલે એ કરન્સીની વેલ્યુ છે, એટલે આ ટેગ
જે સિલ્ક સાથે લાગેલો હોય ને એ સિલ્કમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે આ 100% શુદ્ધ સિલ્ક છે, એવું સેમ વસ્તુ જરી માટે થઈ શકે અને એ તમારા બધા માટે લાભદાયી છે।